नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विद्या कुमार चौधरी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बता रहा हूँ। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको राज्य की उत्पत्ति के संबंध में तीन सिद्धांतों की चर्चा की। उनमें पहला सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का बल सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों की चर्चा मैंने पहले वीडियो में किया है। इस वीडियो में मैं बचे हुए दो सिद्धांतों की चर्चा करूँगा। राज्य की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत जो है, उसे हम कहते हैं द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। हिंदी में इसे हम कहते हैं राज्य की उत्पत्ति का सावयव सिद्धांत। अब ये सिद्धांत जो है, ये राज्य को एक जीवित शरीर मानता है। जिस प्रकार जीवित शरीर में वृद्धि होती है, जिस प्रकार जीवित शरीर को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी अपना विस्तार करना चाहता है और राज्य को अपना विस्तार करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और वो पोषक तत्व क्या है? वो पोषक तत्व हैं नए भूभाग, नई जनसंख्या, नए संसाधन। राज्य की उत्पत्ति का सावयव सिद्धांत ये मानता है कि जिस प्रकार एक जीवित शरीर पोषक तत्वों को प्राप्त कर अपना विस्तार करता है, उसी प्रकार एक जीवित राज्य भी नए भूभागों, नए संसाधनों और नई जनसंख्या को अपने अंदर मिला करके अपना विस्तार करना चाहता है। ये सिद्धांत काफ़ी प्राचीन सिद्धांत है। प्लेटो में भी इस सिद्धांत की कुछ झलक मिलती है। बाद में जर्मन फिलोसफर फ्रेडरिक रैट्स और उसके बाद जो अमेरिकी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर, इन लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के सावयव सिद्धांत पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। राज्य की उत्पत्ति का सावयव सिद्धांत जो है, यह राज्य की तुलना एक जीवित जीव से करता है। यानी जिस प्रकार एक जीवित जीव खुशी महसूस करता है, गम महसूस करता है, उसे तकलीफ होती है, वो अपना बचाव कर सकता है, ठीक उसी प्रकार एक राज्य भी अपना बचाव करता है और राज्य अपना बचाव करने के लिए विभिन्न तकनीकों का सहारा लेता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण तकनीक जो है वह युद्ध है। तो राज्य की उत्पत्ति का यह सावयव सिद्धांत जो है, यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में खास करके यूरोप और खास करके जर्मनी, इटली, इन सब देशों में खासा लोकप्रिय रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस सिद्धांत का महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया और आज राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों में हम इस सावयव सिद्धांत को नहीं गिनते हैं और ना ही यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके बाद मैं अंतिम और राज्य की उत्पत्ति का पांचवा जो सिद्धांत है, उस पर विस्तार में चर्चा करूँगा। राज्य की उत्पत्ति का अंतिम और पांचवा सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। और मैं आपको ये बतला दूं कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत जो है, यही आज के राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य सिद्धांत माना जाता है। अब ये राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत क्या है और इसकी मुख्य मान्यताएं क्या है, तो आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य ना तो ईश्वर ने बनाया है, राज्य को ना किसी बलशाली व्यक्ति ने बनाया है, राज्य की उत्पत्ति किसी एक वक्त में किए गए सामाजिक समझौते के द्वारा भी नहीं हुआ है और ना ही राज्य शरीर की तरह विकसित हो करके और युद्ध के माध्यम से बना है। तो फिर राज्य का विकास हुआ कैसे?
विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य का क्रामिक विकास हुआ है, यानी आज जिस राज्य को हम देखते हैं वो राज्य आज से 100 साल पहले वैसा नहीं था जैसा आज है। 100 साल पहले का राज्य 200 साल पहले के राज्य से बिल्कुल भिन्न है। यानी राज्य जिस प्रकार मनुष्य का उद्विकास बंदर से विभिन्न प्रक्रियाओं और विभिन्न चरणों के माध्यम से मनुष्य में हुआ है, उसी प्रकार राज्य का विकास छोटे से मानवीय संस्थाओं, जिसे हम परिवार कह सकते हैं या जिसे हम ट्राइब कह सकते हैं, उससे आज के राष्ट्रीय राज्य तक, यानी ट्राइब से या परिवार से, परिवारों के समूह से धीरे धीरे विकसित होकर विभिन्न चरणों में राज्य का निर्माण हुआ है। और आज का राष्ट्रीय राज्य जो है 100 साल पहले ऐसा नहीं था, 500 साल पहले का राज्य 100 साल पहले के राज्य जैसा नहीं था, और 1000 साल पहले का राज्य 500 साल पहले के राज्य जैसा नहीं था। यानी शुरुआती वर्षों में लगभग 5-6 हज़ार साल पहले आज के जैसा बहुत ही विस्तारित और बहुत बड़ा राज्य नहीं होता था। आप सबों ने यूनान के सिटी स्टेट के बारे में सुना, वो बहुत ही छोटे छोटे आज के एक छोटे गांव या एक छोटे कस्बे के जैसे थे। फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय राज्य का उदय हो, तो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य पहले मनुष्य का जो सामाजिक संगठन बना वो पहला सामाजिक संगठन परिवार था। जब बहुत सारे परिवार एक साथ इकट्ठे हुए तो ट्राइब का निर्माण हुआ, ट्राइब से फिर विभिन्न सामाजिक संगठन बने, और उन सामाजिक संगठनों के एक साथ आने के फलस्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। और इस पूरी प्रक्रिया में हजारों वर्ष का समय लगा। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि ट्राइब से राष्ट्रीय राज्य के विकास में कई फैक्टर या कई तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें से महत्वपूर्ण तत्व जिन्होंने राज्य के उद्विकास में या राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन तत्वों में सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है जिसे हम कहते हैं किनशिप, नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था ने मनुष्य को सामाजिक रूप से जोड़ने का काम किया। और जब आप 1000-2000 साल पहले के राज्यों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर जो राजे रजवाड़े थे वो किसी न किसी वंश से जुड़े हुए थे, और एक वंश के जो नाते रिश्तेदार थे, जो मजबूत थे, जिनके पास शक्ति थी, जिनके पास ताकत थी, वो एक इलाके पर शासन करते थे। तो किनशिप या नाते रिश्तेदारी जो है वो पहला फैक्टर था जिसने राज्य बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा और महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो है धर्म। धर्म ने भी लोगों को जोड़ने का काम किया। और कई ऐसे उदाहरण हैं कि प्राचीन काल और मध्यकाल में राज्यों के बनने का आधार जो था वो धर्म था। आज भी हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, राष्ट्रीय राज्य हैं, जो धार्मिक आधार पर बने हुए हैं। दुनिया में लगभग 50-55 इस्लामिक स्टेट हैं जिनके गठन का आधार जो है वो इस्लाम है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, ये सभी इस्लामिक स्टेट के एग्जाम्पल हैं। तो धर्म ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक व्यक्तियों को आपस में जोड़ करके और राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन दो तत्वों के अलावा दो और महत्वपूर्ण तत्व जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो है आर्थिक गतिविधि। शुरू में आर्थिक जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन धीरे धीरे जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियाँ थी वो जटिल होने लगी। और अब आर्थिक गतिविधियों के निष्पादन के लिए अकेला मनुष्य या परिवार के लोग काफ़ी नहीं थे। जैसे खेती एक कोऑपरेटिव एडवेंचर, और खेती के लिए
बहुत सारे लोगों का एक साथ इकट्ठे आना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां जटिल होती गई, वैसे वैसे लोग समूह में जुड़ते गए और इन आर्थिक गतिविधियों ने राज्य के निर्माण में, राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और सबसे अंतिम तत्व जिसने राज्य की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वो था पॉलिटिकल कंसियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्यों की राजनीतिक चेतना। अब इसको थोड़ा विस्तार में समझने की आवश्यकता है। आप सबको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मनुष्य अन्य जानवरों की तरह अकेला नहीं रह सकता, मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है। और जैसे ही मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है, जब एक साथ बहुत से लोग एक साथ इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, तो उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता होना स्वाभाविक है। और यह प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता धीरे धीरे राजनीतिक चेतना में बदलती है। मनुष्य शासन करना चाहता है, यानी मनुष्यों की मुख्य रूप से दो कैटेगरी होती है। कुछ मनुष्य शासन करना चाहते हैं और ज़्यादातर मनुष्य शासित होना चाहते हैं। जो मनुष्य शासन करना चाहते हैं, उनकी जो राजनीतिक चेतना है वो शासक की चेतना होती है, और ज़्यादातर मनुष्य बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, वो शासित होना पसंद करते हैं। तो ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कुछ लोग जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो अन्य लोगों पर अपना प्रभाव जमा करके, वो प्रभाव दो तरीके से जमाया जा सकता है, या तो बलपूर्वक जमाया जा सकता है, या अपनी बुद्धि, विवेक, अपनी वाक्पटुता के द्वारा प्रभाव जमाया जा सकता है, या प्रभाव अपनी कुछ विशिष्ट योग्यताओं और अपनी कुछ विशिष्ट उपलब्धियों के माध्यम से भी लोगों पर डाला जा सकता है। इन सब को मिला करके हम लीडरशिप क्वालिटीज कहते हैं। तो जिन मनुष्यों में लीडरशिप क्वालिटीज होता है, वो कालांतर में आगे बढ़ करके शासक के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं, और धीरे धीरे इस ये राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधि, धर्म और किनशिप मिलकर के कालांतर में हजारों वर्षों में जिस संस्था का निर्माण करती है वो संस्था राज्य कहलाती है। यानी राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य का क्रमिक और लंबे समय में एक धीमी उद्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से विकास हुआ है, और आज का राज्य भी क्रमिक विकास कर रहा है। यानी आज से 50 साल या 100 साल बाद का जो राज्य होगा वो आज के राज्य के जैसा नहीं होगा। इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं राज्य की प्रकृति बहुत तेजी से बदल रही है। पोस्ट कोरोना पीरियड में राज्य की प्रकृति में आमूल चूल परिवर्तन होने वाले हैं। आज दुनिया भर के राजनीतिक वैज्ञानिक इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि कोरोना के बाद का राजनीतिक संस्थाएं, जिनमें राज्य सबसे प्रमुख है, किस प्रकार होगा, और कोरोना के कारण राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्यशैली, राज्य के कार्य और राज्य की क्षमता पर क्या असर पड़ने वाला। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य और सर्वव्यापी सिद्धांत है। राजनीति विज्ञान में आज इसी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का सबसे स्वीकार्य सिद्धांत माना जाता है। तो बंधु, इस वीडियो के माध्यम से हमने राज्य की उत्पत्ति के 5 सिद्धांत पर अपने विचार आपके साथ साझा किए हैं। पहला सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का बल सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, चौथा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सावयव सिद्धांत।